बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैथ एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये चैप्टर वन में तकरीबन जो वीडियो की जो डिस्कशन है वो 1.15 तक है, ठीक है। और एक मैंने न्यू क्वेश्चन ऐड किया था 1.16, तो उसकी डिस्कशन नहीं पड़ी हुई थी। तो एक दो स्टूडेंट्स मुझे कह चुके हैं कि सर ये क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में तो है, लेकिन इसकी वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक क्वेश्चन रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि फिर जो हमारी फाइल है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 1.16 बस आज की वीडियो में से हम वन सिंगल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज 1.16, ठीक है जी। तो 1.16 क्वेश्चन पढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है, इफ सेल वैल्यू ऑफ एक्स यूनिट इज 16.8x, तो एक एक्स यूनिट है उसकी ये सेल वैल्यू है, यानी कि ये जो 16.8x नजर आ रहा है ये असल में सेल वैल्यू है, ये सेल रेवेन्यू है असल में, ठीक है जी। ये हमारे पास सेल रेवेन्यू आ गया। एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज, ये कॉस्ट ऑफ सेल की एग्जामिनर ने क्या कर दिया, एक इक्वेशन दे दी, तो ये सेल आ गया, ये असल में हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, ठीक है। देन द नंबर ऑफ यूनिट एट ब्रेक इवन विल बी, कहता है अगर ब्रेक इवन हो तो बताएं ब्रेक इवन पर कितने यूनिट्स होंगे, यानी कि कितने यूनिट्स होंगे कि हमारा जो रेवेन्यू होगा वो कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे। तो याद रखिएगा कि ब्रेक इवन के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए। अगर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट है, इसका मतलब हम ब्रेक इवन पर है। तो ब्रेक इवन का लिटरली मीन ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। तो इसकी दूसरी इक्वेशन ये बनती है, ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे प्रॉफिट जीरो होता है, ना हमें लॉस हो रहा है ना हमें प्रॉफिट है, तो ये ब्रेक इवन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक, क्योंकि मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा होता है, तो हर एक का बताने का समझाने का जो वे है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला असल में ब्रेक इवन के यूनिट्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और चेक करें, एग्जामिनर भी हमसे यहाँ पर ब्रेक इवन के यूनिट्स फाइंड कर रहा है। हम ये तब फॉर्मूला लगाते हैं जब हमारे पास सेल वैल्यू और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास वैल्यूज में हो। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है। तो दैट्स वाई इस केस में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस गिवन है तो हम इक्वेशन यूज करेंगे। तो ब्रेक इवन की मैं ये वाली इक्वेशन यूज करने लगा हूँ जिससे हमारा आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन क्या है, रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू सेल को कहते हैं, आपको बताया। तो इसका मतलब 16.8x, दिस इज माई रेवेन्यू, ठीक है, सेल। और कॉस्ट कितनी है, -0.09x² +1.8x +5000, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये ब्रेक इवन की इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 0.09x² है, ये 16.8 है, तो 16.8 में से हम क्या करेंगे, 1.8 माइनस करेंगे। तो जैसे ही हमने क्या किया, 16.8 में से 1.8, क्योंकि 1.8 प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 15x, ठीक है। प्लस 5000 इधर आकर हो जाएगा -5000, इक्वल टू, यहाँ पे सारी वैल्यूज खत्म हो गई, यहाँ पे जीरो रह गया। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पुट करूंगा इन कैलकुलेटर और वहां से डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर लूंगा, आंसर फाइंड कर लूंगा। कैसे कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं,
वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमारे पास सबसे पहले हमने मोड का बटन प्रेस करना, ये 5 में इक्वेशन बनी है, हमने 5 पे इक्वेशन पर प्रेस किया एंड द नंबर 3 इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम 3 प्रेस करते हैं, हियर इज 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हमने पुट करना है माइनस और सॉरी 0.09, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे 0.09, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे, ठीक है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट मूव करें 15 पुट कर लिया, फिर इक्वल का प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, फिर माइनस 5000, तो माइनस हमने 5000 कर दिया, ठीक है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, सारी वैल्यूज पुट होगी। अब फाइनल इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, हेयर इज अवर आंसर, तो एक्स वन आ गया 500/3, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ गया 16.67, ठीक है। और अगर क्योंकि यूनिट्स डेसिमल में नहीं होते, यूनिट रियल नंबर में होते हैं, इंटीजर फॉर्म में होते हैं सॉरी, तो इंटीजर फॉर्म बनेगी 166 को राउंड करेंगे तो ये 167 पर चले जाएगा, जो कि हमारा अल्फा आंसर है, ठीक है। और अगर आप सेकंड आंसर देखना चाहते हैं तो सेकंड आंसर हमारे काम का नहीं है, ठीक है, और सेकंड आंसर नेगेटिव आ रहा है, आपको पता है यूनिट्स नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो दैट्स वाई जो हमारा आंसर बनेगा इस केस में वो 167 बनेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था छोटा सा जो डिस्कस नहीं हुआ होगा, तो ये अब ये डिस्कस हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।